केरल में एक प्रेग्नेंट हथनी को बारूद भरा अनानास खिलाकर उसकी जान ले ली गई, जिसकी कोख में उसका बच्चा जन्म ले रहा था। इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया था और तब इंसानियत पर एक बड़ा धब्बा लगा था। लेकिन इंसानियत जिंदा है, इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है बिहार के एक शख्स ने, जिसने अपने करोड़ों की संपत्ति दो पालतू हाथियों के नाम कर दी और अपने परिवार को जायदाद से बेदखल कर दिया। जी हां, आपने सही सुना, एक बिहारी शख्स का दोस्त और परिवार सब कुछ हाथी ही है। तभी तो उसने सारी संपत्ति इन दो हाथियों के नाम कर दिया, जिनका नाम मोती और रानी है। इस हाथी के साथी का नाम अख्तर इमाम है, जो पटना जिला के जानीपुर निवासी हैं। ये एरावत संस्था के मुख्य प्रबंधक भी हैं। इनका पूरा जीवन हाथी के लिए समर्पित है। अख्तर बताते हैं कि एक बार उनकी हत्या की कोशिश की गई थी, तब इन हाथियों ने जान बचाई थी, इसलिए अख्तर इमाम ने अपने हाथी मोती और रानी के नाम सारी प्रॉपर्टी लिख दी है। वहीं अख्तर के इस फैसले से नाराज इनका खुद का परिवार दुश्मन बन गया। इतना ही नहीं, अख्तर के बेटे ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बता दें कि पारिवारिक विवाद होने की वजह से 10 साल पहले उनकी पत्नी दो बेटे और बेटी के साथ घर से मायके चली गई थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे मिराज उर्फ रिंकू के दुर्व्यवहार और गलत रास्ते पर जाते देख उन्होंने उसे जायदाद से वंचित कर दिया। वहीं पत्नी को आधी जायदाद लिख दी है और अपने हिस्से की लगभग 5 करोड़ रुपए की जायदाद, खेत खलिहान, मकान, बैंक बैलेंस सभी दोनों हाथियों के नाम कर दिया है। अख्तर का कहना है कि अगर दोनों हाथियों की मौत हो जाती है तो यह जायदाद एरावत संस्था को चली जाएगी। वहीं इससे नाराज घर वाले ही उनके दुश्मन बन गए हैं। इसको लेकर वे लगातार थाने से लेकर डीजीपी तक सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अख्तर का आरोप है उनका बेटा मिराज दबंग है, जिसकी शह पर परिवार उनका विरोध कर रहा है। अख्तर इमाम बताते हैं कि एक बार उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया था, उसी दौरान हमारे हाथी ने मुझे बचा लिया था। घटना का जिक्र करते हुए अख्तर बताते हैं कि एक बार पिस्तौल हाथ में लिए बदमाश जब हमारे कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो हमारा हाथी उसे देखकर चिघाड़ने लगा। इसी बीच हमारी नींद खुल गई और हमने शोर मचाया तो बदमाश भाग निकले। इतना ही नहीं, अख्तर के बेटे मिराज ने पशु तस्करों से मिलकर हाथी बेचने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह पकड़ा गया। अख्तर कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जायदाद हाथी के नाम कर दी है, अगर हाथी ना रहा तो हमारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ भी नहीं मिलेगा। अख्तर महावत को परीक्षण देने के साथ देश भर में हाथी की देखरेख के लिए भी भ्रमण करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।